पर एक बात इस होले महले के दिहाड़े के उत्ते वापरिया हुई दो घटनावान ने मन में बड़ा विचलित किया। एक मणिकरण के स्थान के उत्ते हिमाचल प्रदेश के वापरी घटना, दूसरी परसों रात कुछ हुलड़बाजा वालों एक नौजवान लड़के का कतल। इन दो घटनावान ने सानू सोचने मजबूर कर दिता है कि असं किधर जा रहे हैं। लेकिन जिस ढंग के नाल असं आए हाँ, जिस ढंग के नाल आके असं इतने वर्त वर्ताव करते हैं कि असं आस रख सकते हैं कि धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सानू दर्शन देंगे। सरकार ने सानू रोकना ना, किसी होर ने सानू रोकना है, ये सानू खुद सोचना पड़ेगा कि असं केसगढ़ साहब की पावन धरती के उत्ते होले महल्ले के हाजरियां लगाने वास्ते चले हाँ। एक गल कहते रखना, नरिंदा सिंह वालों तैयार की शहीदी बेगां ते सड़कों के सुखे दियां जिहड़ियां मिलदियां टिक्कियां ते पकौड़े, उन्होंने विच जमीन आसमान का अंतर है। और ये चीज़ा जिहड़ियां ने हुलड़बाजा नूं उत्साहित कर दियां ने। केसगढ़ साहिब श्री आनंदपुर साहिब के विहड़े दे विच जुगो जुग अटल साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह के पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी साध संगत जी, सब तो पहला फतेह प्रवान करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। असी सारे खालसे का मान मत्ता शान मत्ता पर्व होला महला मनाने वास्ते श्री आनंदपुर साहब की पावन धरती के उत्ते हुम हुमा के पहुँचे। समुचे गुरु खालसा पंथ को, समुचिया गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतों को इस महान पर्व होले महले दियाँ बहुत 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 बधाइया हो। मेरे तो पहला बहुत सारे बुलारे, बहुत सारिया मानवतियां शख्सियत आप जी को संबोधन रोके गई हैं। बड़ी गिणती दे विच इस बार भी हर साल की तरह होले महल्ले दे विच हाजरिया लगाने वास्ते लखां की तादाद विच सिख संगतां पहुंचिया ने। पर इस बार इस होले महल्ले दे दिहाड़े दे उत्ते वापरिया हुई दो घटनावां ने मन नूं बड़ा विचलित किया। एक मणिकरण के स्थान के उत्ते हिमाचल प्रदेश के विच वापरी घटना, दूसरी परसों रात कुछ हुलड़बाजा वालों एक नौजवान लड़के का कतल। इन दो घटनावान ने सानू सोचने मजबूर कर दिता है कि असं किधर जा रहे, सानू जाना किधर चाहिए। मान योग बाबा हरनाम सिंह जी इस मंच तो आप जी को कह के गए ने बहुत वड्डी गल कि होले महल्ले के दिहाड़े के उत्ते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पंज प्यारे साहबान धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के लाड़े सिंह के दुलारे पुत्र जड़े ने वो खालसे को दर्शन देने वास्ते आए हैं और असी सारे दर्शन करने वास्ते आए हैं। लेकिन जिस ढंग के नाल असी आए हाँ, जिस ढंग के नाल आके असी इतने वर्त वर्ताव करते हैं कि असी आस रख सकते हैं कि धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सानू दर्शन देंगे, धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह के साहबजादे सानू दर्शन देंगे, इस बारे साध संगत जी सानू सोचना पड़ेगा। ना सरकार ने सानू रोकना, ना किसी होर ने सानू रोकना है, ये सानू खुद सोचना पड़ेगा कि असी केसगढ़ साहब की पावन धरती के उत्ते होले महल्ले के विच हाजरियां लगाने वास्ते चले हाँ, तो साडे जाण दा ते साडे आउण दा जिहड़ा ढंग है वह की है ते की होना चाहिए। निहंग सिंह शहीदी देगा जिहड़ियां वह तैयार करते हैं, एक गल कहते रखना, नरिंदा सिंह वालों तैयार की शहीदी देगा ते सड़कों के सुखे दियां जिहड़ियां मिलदियां टिक्कियां ते पकौड़े, उन्हां दे विच जमीन आसमान का अंतर है। इस पासे भी सानू बड़ा ध्यान देने की लोड़ है और ये चीज़ा जिहड़ियां ने हुलड़बाजा नूं उत्साहित कर दियां ने। जे असी होला महला मनाउण वास्ते आए हाँ तो सानू जिहड़ा है इस उत्ते सख्ती दे नाल जिहड़ा है वह पहरेदारी करनी पएगी। सानू सोचना पएगा, साढ़े नौजवानों को सोचना पएगा कि असी की तौर तरीका वरत रहे हैं धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह के दर्शन करन जाण वेले। गुरु के दर्शन कर जाइए तो निम्रता दे नाल जाना चाहिए, सादगी दे नाल जाना चाहिए। साडा इतिहास सानू सबक दिंदा है कि जे असी तड़क भड़क के नाल जावांगे
जे असी हुनरबाजी दे नाल जावांगे असी गुरु दीआं खुशियां लै के नहीं आवांगे, असी गुरु के जिहड़े है वह बद असीस लै के घरां नूं मुड़ांगे। ये सानू जरूर सोचण दी जरूरत है। बाकी गल कीती है इस मंच तों कि अज साडे पंथ की अजोकी स्थिति जिहड़ी है वह की होई पई है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ी है वह सिखां दी माणमती संस्था है। अज जो असी ये देख रहे हैं ना नौजवानों वालों की जा रही हुनरबाजी, ये पता है किसका नतीजा है? ये पिछले 20-25 साल तो जोड़िया साड़िया संस्थावां दे विरुद्ध कूट प्रचार हो रहे हैं, ये उहदा नतीजा है। जिन्हां लोगों ने साड़िया संस्थावां दे खिलाफ कूट प्रचार किया कूट प्रचार का नतीजा है कि साढ़े जिहड़े नौजवान है अब दिशाहीन हो गए हैं। साध संगत उन्होंने नौजवानों को कोई सेध नहीं दी है संस्थावां के खिलाफ कूट प्रचार करने वाले ने, उन्होंने संस्थावां भंड के संस्थावां की क्रेडिबिलिटी जी है वो खत्म की है, क्योंकि संस्थावां जीडिया सी ये जाबता कायम रख दी होंगे सी, चाहे फौज होवे चाहे कौम होवे, जे अनुशासन रहेगा तो जित होएगी, तो जे कौम के अनुशासन नहीं है, जे फौजों के अनुशासन नहीं है तो कदे भी फौजा जी हैं वो जंग नहीं जीती हैं, वो हारिया कर दियां ने। साध संगत जी ये गल सानू चेते रखनी चाहिए। दिता गया बिल्कुल तोड़ दिता गया है, क्योंकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कौम की हीड़ की हड्डी सिखा की मंग नहीं थी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, बल्कि सिखा की मंग को आधार बना के एक बड़ी साजिश रची गई है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के खिलाफ। ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के दो टुकड़े किए, प्रबंध हरियाणा के सिखा ने नहीं संभालिया, साध संगत जी प्रबंध सरकार ने संभालिया, ये गल समझ लेनी चाहिए है। संभाली की श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का भी जे असी ना संभले जे असी ना जिहड़े है वह जाके किसान अंदोलन के सब तो वड्डी सपोर्ट जिहड़ी है वह साडी गुरद्वारा संस्था के मिली है, और सरकार ये गल चंगी तरह जानती है कि किसान अंदोलन सब तो वड्डी सपोर्ट जिहड़ी है वह धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह के चलाए हुए लंगरां ने दित्ती है, और लंगर जिहड़े ने वह गुरद्वारिआं च निकले है, इस करके इन्होंने गुरद्वारिआं नूं जिहड़ा है वह कब्जे च करना चाहिए। इहदा नतीजा है हरियाणा गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी, होर कोई कारण नहीं है। वह बहुत लंबे समय तो नजर टिका के जिहड़ा है रखी बैठे सी कि जे सिखां नूं कमजोर करना है तो सिखां नूं ताकत देने वाले गुरद्वारिआं नूं जिहड़ा है वह संभालना पड़ेगा, फिर सिख कमजोर होंगे, क्योंकि अंग्रेजों ने भी यह पॉलिसी वरती थी, उन्होंने भी अपने महंता के राही गुरुद्वारे जोड़े वो कंट्रोल करके तो गुरुद्वारियों को सिखों को जोड़ा ताकत देना रोकया से, पर सिख कट्ठे हुए कुरबानियां दतिया, सिखा ने गुरधाम आजाद करवाए, गुरुद्वारों को ताकत निकली तो सिखों ने जोड़ा है इस मुल्क की आजादी लिए अपना रोल अदा किया, मुल्क आजाद हो गया पर सिखा आजादी नहीं मिली। साध संगत कोई शर्म नहीं आई सिखा की पार्लीमेंट में तो मिल लगे इतनी कमाल की गल, अपनी पार्लीमेंट को अखंड रखने वास्ते वह लोगों की बलि लेने भी जानता है, सिस्टम लोगों को मारना भी जानता है कि किसी कीमत के उत्ते असं भारतीय पार्लीमेंट को अखंड जोड़ा है वो रखना रखना रखो अखंड सानू कोई मतलब नहीं है, लेकिन साड़ी पार्लीमेंट को जोड़ा है वह दो टुकड़े के कर दिता है, तो जे सिखा की पार्लीमेंट को दो टुकड़े के किया है तो अकाल पुरख उस पार्लीमेंट को भी कई टुकड़े से करूंगा, ये खालसे की बद दुआ लगू बोले श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, और सिख शक्ति के स्रोत भंडन का जरा कार्य किया है सुप्रीम कोर्ट के राही। 1947 को लेकर अज तक कोई एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का कोई दस देवे जो सिखों के हक जाया हो, इन्हें इंस्टीट्यूशन ने जिन्हें भी सरकार के इंस्टीट्यूशन है ये कदे भी सिखों के हक च नहीं खड़े। साध संगत ये सानू सोचना पड़ेगा, सोशल मीडिया के उत्ते साड़ी संस्थावां के खिलाफ सच्चा नैरेटिव जोड़ा है ये सानू बर्बादी वाल ले जा रहे हैं। मत समझो कि सिख नौजवान है जो संस्थावां के खिलाफ कूट प्रचार कर रहे हैं, बहुत सारिया फेक आईडिया जो एजेंसियां बनाईया हुई हैं सिखों के नावों के उत्ते जो नैरेटिव सजदियां ने सिखों दी संस्थावां के खिलाफ, सानू इस पक्षों भी सुचेत सावधान बहुत होना पड़ेगा। बाबा जी ने गल की है कि श्रोमणी अकाली दल नू संघर्ष करना पड़ेगा, मैं एक गल कह दिया कि श्रोमणी अकाली दल मजदूर के किसानों की पार्टी सी, और श्रोमणी अकाली दल मजदूर के किसानों की पार्टी बनाना पड़ेगा,
जतन करिए।